हाँ तो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत है जो कि इंडियन कारपेंटर। तो इसमें क्या हम फर्नीचर के रिलेटिव सारी आपको वीडियो और जानकारी दी जाती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो अपना ये इस तरह का जो लॉक होता है, तो इस लॉक को कैसे फिटिंग किया जाता है और इसका क्या मेजरमेंट होता है। तो यही हम आपको पूरे वीडियो के जरिए समझाने वाले हैं। और जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बटन को दे मारो ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और नई जानकारी मिले। तो चलिए भाई लोग, अभी हम करते हैं काम की शुरुआत ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह आपको ये टच करके निकाल लेना। ये निकल गया अपना, ये ठेसी अपना निकल गया है। और ये वाला नट एक बार निकाल देते हैं दोस्तों। आप अभी ये देख सकते हो, ये अपना क्या यूरोपा कंपनी का लॉक है। तो ये यूरोपा कंपनी का लॉक है और इसको क्या आप कैसे मेजरमेंट पे आपको सेट करना है, होल गिराना है, तो वो सारा जानकारी हम आपको बता देते हैं। पहले क्या इसका मेजरमेंट बना लेते हैं, कितना मेजरमेंट बना के आपको ये होल गिराना रहता है और कितना एमएम का होल गिराना, वो भी पूरी जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको दरवाजे की जो धार होगी, तो यहाँ से आपको क्या ये मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से आप मेजरमेंट पकड़ लो और यहाँ पे आप देखो एंड में अपना मेजरमेंट कितना आता है। एक मिनट, तो यहाँ से आप मेजरमेंट देखते हो तो 2 इंच 3 डोरे पे अपना मेजरमेंट आ रहा है, 2 इंच 3 डोरा। यानी यहाँ से आप अगर टेप देखते हो तो 2 इंच 3 डोरे पर आपका दरवाजे पे मेजरमेंट करना है। और फिर इसके क्या है, ये हिसाब से आपको ये होल करना है। तो ये होल आपको कितना रखना है, 2 इंच रखने का है, 2 इंच का ये होल रखने का है। तो ये ऐसे 2 इंच रखना है या 50 mm रखना है, दोनों में एक ही है, या 50 mm या 2 इंच। तो अभी यही होल आपको क्या दरवाजे में गिराना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आपको दरवाजे जमीन से आपको 40, 39, 42 इंच तक में आपको ये फिटिंग करना रहता है। तो अपना क्या है, मेरा ये डिजाइन के हिसाब से मेरे को ये मेजरमेंट पे मैं सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, तो 2 इंच 3 डोरे पे मेरे को मेजरमेंट करना है, 2 इंच 3 डोरा। यानी ये 2 इंच 3 डोरे पे मेरा मेजरमेंट हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या अपन होल गिरा देते हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरह का ये होल गिराना रहेगा आपको। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने क्या खांचा गिरा दिया है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो सेंटर आया तो सेंटर का मार्किंग आपको यहाँ पे करना रहेगा। और ऐसे में भी आपको सेंटर करना है, ऐसे में जो भी आपका सेंटर बनता है वही हिसाब से सेंटर कर देना, मार्किंग सेंटर। तो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या अपना ये ठेसी अंदर जाने वाला है, ये ठेसी ऐसे अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होल गिराना रहेगा, ये 1 इंच का आपको होल गिराना रहेगा, 1 इंच का पाला है, इससे अपन यहाँ पे होल गिराएंगे ताकि ये अंदर तक चला जाएगा। तो आपने देख दिया, इस तरह का आपको होल गिरा देना कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पे क्या आपको ये अंदर आपको ठेसी सेट करने का इस तरह का, फिर इसको क्या आपने को खांचा मारना रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो इसको क्या ये इस तरह का ये कर देते, अब इसको क्या हम कट आउट कर। अभी दोस्तों क्या है, अपना खांचा ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, एकदम लेवल से कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ा लाइट का थोड़ा इफेक्ट रहता है,
इस तरह के आपने लेवल कर दिया, इसको अच्छे से लेवल कर दिया कंप्लीट। अब इसको क्या हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं, तो आप देखो तो इसमें क्या ये हमारा क्या बिना चाबी वाला लॉक है। तो बिना चाबी वाला जो सिंबल होता है तो वो क्या हम आगे की साइड रखेंगे, इस तरह का इसको सेट करेंगे। ये जो अंदर ठेसी है इसके अंदर आपको ये एकदम प्रॉपर लगाने का, ठीक है। उसके लिए क्या आपको एक केप लगा देना है, फिर इसको ठेसी को अंदर ऐसे सेट करने का है, ऐसे कंप्लीट ये आपका सेट रहेगा ऐसे। इस तरह का आपको ये इसके अंदर सेट कर लेना। ये हो गया अपना सेट कंप्लीट। अब क्या आपने को नट लगाने का है, यहाँ पर क्या दोस्तों आप कंप्लीट देख सकते हो, ये अपना क्या अच्छे से फिटिंग हो गया। और यहाँ पे हम यहाँ पर अभी स्क्रू लगा देंगे, इस पर स्क्रू लगाना बाकी है तो स्क्रू हम लगा देंगे और फिर इसी के साथ अपना क्या ये लॉक फिटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जो मेजरमेंट बताया गया है 2 इंच 3 डोरे पर आपको मेजरमेंट करना है, 2 इंच 3 डोरे पर आपको मेजरमेंट रखना है